2 साल बाद एक बार फिर इंदौर की सड़कों पर गणेश विसर्जन चल समारोह भव्य तरीके से निकाले जाएंगे। आज शाम को इंदौर की बरसों पुरानी परंपरा का आगाज होगा और एक के बाद एक झांकियां इंदौर शहर में देर रात तक चमकती हुई दिखाई देंगी। कोरोना के कारण 2 साल बाद एक बार फिर से इंदौर की बरसों पुरानी परंपरा इंदौर में एक के बाद एक निकाली जाएंगी। उसको लेकर झांकी निर्माताओं का कहना था कि जिस तरीके से 2 साल तक झांकियों का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन इस बार झांकियों का निर्माण हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर झांकियों का निर्माण किया गया है। राजकुमार मील ने इस बार समाज को अलग अलग तरीके से मैसेज देने के लिए तकरीबन 2 से 3 झांकियां बनाई हैं, जिसमें समाज को विभिन्न तरीके के उद्देश्य दिए जा रहे हैं। वहीं राजकुमार के द्वारा तकरीबन 50 साल से अधिक वर्षों से झांकियों का निर्माण किया जा रहा है। यह परंपरा लगातार जारी रहेगा। बताएं कि कितने साल हो गए परंपरा को और कितने समारोह ये परंपरा को 100 साल हो गए और ये हमारे बिल्कुल 87 साल है और इसमें भी 3 झांकियां बनी हुई है और तीनों ही अच्छी झांकी बनाते हम सबसे हटके और अपने मिल का इंतजार रहता लोग बागों में कि राजकुमार की मिल की झांकी कब आएगी थी। कितने बजे मिल की का समारोह ये 6 बजे शुरू होगा समारोह तो रात को रात भर सवेरे 6 बजे आते हैं हम यहाँ पे। कितनी सहायता राशि मिली इस बार आपको कहाँ से? अभी तो आईडिया से 2 लाख रुपए मिले, नगर निगम से 1 लाख रुपए मिले, छोटी संस्था से किसी ने 11 किसी ने 15 दिए हैं। कलेक्टर ने अभी कल हमको सहयोग रखते पहले किसने निकाली थी इसे? ये हुकुमचंद मिल ने 100 साल पहले बैलगाड़ी पे निकाली फिर हाँ फिर परंपरा चालू हुई है सबसे उमड़ते हाँ और इंदौर की जनता इसको बंद नहीं होना देखना चाहती है। अभी कितना साल हो गए और ये बाल गंगाधर तिलक ने जो आह्वान किया था आजादी के आंदोलन के लिए गणेश उत्सव की शुरुआत बम्बई में की थी तो बम्बई में कपड़ा उद्योग की शुरुआत हुई थी तो उसको इंदौर के लोगों ने हाथों हाथ लिया और यहाँ भी ये परंपरा शुरू हो गई। तो ये 1902-3 से यहाँ पे परंपरा चालू है, हमारा 87वां वर्ष है और बड़ी विपरीत परिस्थितियों में ये लोकोत्सव हो चुका है। इंदौर शहर की जनता इसका इंतजार करती है। 2 साल कोरोना काल में हमारे कारीगर भी तमाम परेशान रहे, अब कम से कम ये अच्छा मौका आया है, बहुत उल्लास है लोगों में, बहुत उत्साह है झांकी देखने के लिए और हमारे कलाकार भी दिन रात भीड़ करके इस झांकी को शानदार बनाने की पूरी कोशिश किए था।